मैं मेरा नाम जितेंद्र धुरंधर है, मैं छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार से आया हूँ। ये बताइए कि आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, कैसे आप उनको याद करते? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। आपके माध्यम से मुझे पता चला कि राजू श्रीवास्तव गजोधर भैया का आज निधन हो गया। मैं उनको अब श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। उनके आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और साथ ही साथ उसके परिवार के लोग को भी साहस और धैर्य बना के रखने के लिए अपील करता हूँ। रही तो लगता है कि उनकी पूर्ति हो पाएगी? नहीं, भारतीय सिनेमा जगत में तो संभव नहीं है। गजोधर भैया का जो कॉमेडी है उसका जगह तो कोई नहीं ले सकता था। वो छोटे से मंच से, एक यूपी से उठ कर आया हुआ आदमी आज बॉलीवुड में अपना नाम जो हासिल किया है। हंसाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, रुलाने वाले पूरा संसार दुनिया है, लेकिन वो ऐसा प्रतिभा के धनी थे कि उन्होंने हंसाया है, हर आदमी को, रोते हुए आदमी को हंसाया है। भारत सरकार से भारत रत्न वगैरह की आप लोग मांग करते हैं? भारत सरकार से भारत रत्न की नहीं, लेकिन भारत सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति को सम्मानित किया जावे। सर आपका नाम क्या है? आई एम ब्रिगेडियर प्रणब घोष। हाँ, राजू श्रीवास्तव तो एक शख्स थे जो हमारे बीच में से आज उठ गए हैं, एंड बहुत बहुत बड़ा वाइड क्रिएटेड हो रहे हैं इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस आत्मिक ज़िंदगी में इतना तनाव के बीच रहते हैं, जो उनसे कोई अगर थोड़ा सा हंसाए या मुस्कुराए, उनका जो चला जाना वो भाई पड़ेगा सबके लिए। सो वो एक शख्स थे जो हम सब पसंद करते थे, वो हमारे साथ जुड़ते थे, हमारे कॉमन लाइफ के साथ, हमारे जो आम जिंदगी है उसके साथ जुड़ते थे। बड़े इजी कॉमेडियन थे, आपसे नेचुरल इजी बॉर्न कॉमेडियन थे। सो ऐसा शख्स रोज आते नहीं है ना, अब चले गए हैं, देखते हैं अभी कौन आता है। भगवान उनका आत्मा को शांति दे, परिवार को सुकून दे, अच्छे देखें उनको। मेरा नाम मिसेस घोष, बी घोष। हाँ जी, आज सुबह अभी आते हुए रास्ते में हम तो बड़े ताजू हुए, क्योंकि वो रिकवर कर रहे थे, तो हम काफ़ी उम्मीद था कि ऐसे बड़ी सिंपल सोल, लेकिन इतनी बड़ी सी प्लेटफॉर्म में काम करते थे और इतने कॉमनर के साथ जुड़े हुए थे, उनकी जो जोक्स था, जो कॉमेडी था, इतनी सिंपल फ्लो था, कोई बनावटी नहीं थी उसकी इसमें, इसीलिए ना हर लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे उनसे। तो यही सबसे बड़ी और बहुत बड़ा गैप छोड़ गए अभी उसमें, भरना, दूसरे को आना। कॉमेडियन तो खैर बहुत है, सब अपना अपना स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रेंथ की लाइन ही कुछ अलग सा था, तो ये तो हम सब बहुत मिस करेंगे, नो डाउट। की पूर्ति हो पाएगी? पूर्ति देखिए, इंडिस्पेंसिबल तो इस दुनिया में कोई नहीं है, ये तो भगवान भी बोल गए, लेकिन अभी होना, कितने दिन में होना, और हर लोग एक जैसा तो हो नहीं सकता, तो पूर्ति तो पता नहीं अभी न्यू जनरेशन कैसे फॉलो करेंगे, लेकिन वो जैसे एक बीच में था ब्रिज, जो न्यू एवं ओल्ड सारे जनरेशन की, ये डिफ़िकल्ट है उनकी पूर्ति होना। कोशिश तो जारी रहेगी, किसी की जगह तो खाली नहीं रह सकते, लेकिन मुश्किल है, ये इतना तो हम कह सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? ए के सिंह। अच्छा, राजू श्रीवास्तव जी का आज निधन हो गया है, आप उनको कैसे याद करेंगे? एक बहुत बड़े हास्य कलाकार, एक युग समाप्त हुआ है अभी, उनके बारे में इतना ही हम कहेंगे। और उनको देख करके हमें बहुत सारे हमारे गम हम लोग भूल जाते थे उनका प्रोग्राम देखने के समय, उस टाइम स्लॉट में, आधे घंटे में, बस यही अब बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए। रुला बहुत लोग सकता है, लेकिन हंसाने वाले बहुत कम लोग होते, उसमें से एक थे राजू श्रीवास्तव। आप उनका कौन सा शो आपको अच्छा लगा, कौन सा मूवी पसंद? गजोधर भैया का जो किरदार था उनका बॉम्बे टू गोवा में, वो बहुत अच्छा उनका किरदार उन्होंने निभाया था। और टीवी के ऊपर उन्होंने हास्य की का एक सीरियल जो था, वो सीरियल में रोल किया था, वो सीरियल के हम लोग, और उनके यूट्यूब पे भी बहुत सारे ये थे, वो हम देखते थे ज़्यादा करके उनका। क्या उनकी पूर्ति हो पाएगी? नहीं, उन क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती है, अब उनके जैसा कलाकार मिलना मुश्किल है।
बस यही मैं कहूँगा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, ये बताइए कि आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, कैसे आप उनको याद? राजू श्रीवास्तव बॉलीवुड के बहुत अच्छे कॉमेडियन थे और उन्हें पूरा देश मिस कर रहा है, उनके शोक निधन पे शोक व्यक्त कर रहे हैं। कैसे उन्हें याद करेंगे, कौन सा लोग? उनके कॉमेडी जो उन्होंने कॉमेडी की है उनको देखे याद करेंगे। आपको लगता है कि उनकी पूर्ति हो पाएगी? नहीं, पूर्ति तो नहीं हो पाएगी, जो देश में क्षति हुई मिली है वो पूर्ति तो नहीं हो पाएगी। मैडम क्या नाम है आपका? जी मृदुला सिंह। अच्छा, राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है, क्या कहेंगे आप, कैसे? जी सुन के तो पहली बात बहुत दुख हुआ, उनके जैसा मतलब कोई हास्य कलाकार हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं उनको, कोई उनकी कमी पूरा नहीं कर सकता है। कौन सा मूवी या कौन सा किरदार उनको आपको? मूवी उनका सबसे अच्छा एक मुझे लगता था, ट्रेन में आदमी पब्लिक जब छोड़ने जाती है तो ऐसे तो नॉर्मल बातें करते रहते हैं और जब ट्रेन छूटती है तो सारी बातें उनको याद आती है अचानक, ये वो सब, मतलब वो वाला किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत लोग रुला सकते हैं लेकिन हंसाने वालों में से एक थे वो। जी तो आप जब उनका शो देखते थे, कैसा तो मतलब उनको वो सब प्रोग्राम देखेंगे तो बाकी हम लोग को सब भूल जाते हैं, टेंशन फ्री होके बैठ के उनका हंसने का, हंसते रहिए, सुनते रहिए उनको बस। क्या नाम है? जानवी सिंह। वी फील रियली सैड बिकॉज इट्स वेरी शॉकिंग, ही वॉज वेरी यंग एंड पासिंग अवे लाइक दिस, इट्स वेरी सैड फॉर एवरी वन एंड हिज फैंस, and he was an artist so the work he has done it's very valuable to all of us, he has left that mark, we are always going to look up to him, new stand up comedians whenever they come they are going to look up to him, get inspired, motivated to follow their passion. So kya unka jo role hai wo log aur kar payenge jaisa ka I feel ha jo naye artists aur sab log aa rahe hain to they will see him as an example and उनसे कुछ सीखेंगे एंड कुछ और भी इवॉल्व करेंगे और कुछ नई चीज़ें भी लाएंगे। कौन सा मूवी कोई एक बताएं जो? आई हैवंट सीन हिज मूवीज़, मैंने उनके कॉमेडी शोज़ देखे हैं।